नमस्कार, मैं हूँ स्वप्नाली प्रधान। स्वागत है आपका मेरे चैनल टेरेस टू टेबल में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक मकर संक्रांति स्पेशल रेसिपी। आज हम बनाएंगे गुड़ पोड़ी। मैं आपको बताऊंगी इसे आसानी से कैसे बना सकते हैं और कुछ टिप्स शेयर करूंगी मैं आपके साथ, जिससे आपकी गुड़ पोड़ी जो है वो बहुत ही बढ़िया बनेगी। तो चलिए बनाते हैं गुड़ पोड़ी। गुड़ पोड़ी का स्टफिंग बनाने के लिए हमने लिया है 2 कप बेसन, 2 कप प्लस 1/4 कप गुड़, तेल जैसे हमें लगेगा, 1/2 कप तिल, 1/4 कप कसा हुआ सूखा नारियल, 1 टेबलस्पून खसखस और 2 टीस्पून इलायची और जायफल का पाउडर। यहाँ मैंने कढ़ाई ले ली है, इसमें हम तिल रोस्ट कर लेंगे। इसे ड्राई रोस्ट करना है, आँच एकदम धीमी रखनी है। और ये जो है ये सादा तिल है, यानी कि हमने पॉलिश के तिल नहीं यूज़ किए हैं जो हम लड्डू में इस्तेमाल करते हैं। ये सादे वाले तिल है, इसका फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। ये देखिए, इस तरह लगातार चलाते हुए मैंने इसे भूना है। अब ये स्प्लटर करना शुरू कर दिया है इसने। ये देखिए, इस तरह तिल जो है वो स्प्लटर करते हैं। तो हम गैस बंद कर देंगे और इसे बस आधे मिनट के लिए मैं इस तरह चलाऊंगी। इसे अब मैं एक प्लेट में निकाल लूंगी। अब हम इसमें नारियल रोस्ट करेंगे, जो ड्राई नारियल हमने लिया है। लगातार चलाना है, ये बहुत जल्दी हो जाता है। थोड़ा सा रंग बदलने तक हमें इसे भूनना है। नारियल का रंग बदलने लग गया है, अब मैं गैस बंद कर दूंगी और इसे चलाऊंगी। कढ़ाई जो होती है वो गर्म होती है, तो उतने में भी ये अच्छे से भून जाता है। ये देखिए कितना बढ़िया रंग आ गया इसका। अब खसखस, इसे भी ड्राई रोस्ट करना है। खसखस का भी हल्का रंग बदल चुका है, अब मैं गैस बंद कर दूंगी और इसे भी मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। यहाँ एक कढ़ाई में मैंने बेसन ले लिया है, इसे मैं भून रही हूँ। पहले मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ, यानी ड्राई ही मैं इसे भून रही हूँ। आँच हमें एकदम धीमी रखनी है और धीमी आँच पे ही इसे भूनना है। बेसन को मैंने 5 मिनट के लिए इस तरह अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लिया है। अब हम इसमें तेल डालेंगे। और इसे रोस्ट करेंगे। तेल का इस्तेमाल हम जैसे लगेगा वैसे करेंगे। जैसे हमने बेसन के लड्डू बनाते समय बेसन को भूना था, वैसे ही हमें भूनना है। जैसे हमें ज़रूरत पड़ेगी वैसे हमें तेल का इस्तेमाल करके बेसन को भूनना है। इस तरह मैं थोड़ा थोड़ा तेल डाल रही हूँ और इसे अच्छे से भून लूँगी। करीबन 1 कप जितना तेल हमें लगता है, 2 कप बेसन भूनने के लिए 1 कप जितना तेल हमें लगेगा। इस तरह हमें एकदम अच्छे से बेसन को भूनना है। ये देखिए, बेसन को हमने अच्छे से भून लिया है। ये देखिए, इसका जो रंग है वो बदल चुका है और इसकी कंसिस्टेंसी देखिए एकदम बढ़िया बन चुका है ये। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। गुड़ पोड़ी का कवरिंग बनाने के लिए मैंने लिया है 2 कप आटा, ये गेहूं का आटा है। उसमें 2 टेबलस्पून तेल और चुटकी भर नमक। मैंने एक प्लेट में आटा निकाल लिया है, इसमें हम थोड़ा सा नमक और 2 टेबलस्पून तेल डालेंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी मिलाऊंगी और इसका हम आटा लगाएंगे। इस तरह मैंने आटा लगा लिया है। ये देखिए, ये पूरी जितना सख्त भी नहीं है और एकदम नरम भी नहीं है, तो हमें इसे मीडियम आटा लगा लेना है। इसको मैं ऊपर से भी थोड़ा सा तेल लगा के गूंद रही हूँ। अब हम इसे ढक के रख देंगे आधे घंटे के लिए।
तिल, नारियल और खसखस जिसे हमने ड्राई रोस्ट कर लिया था, ये ठंडा हो चुका है अभी, मतलब सारी चीज़ें ठंडी हो चुकी है। अब हम तिल और खसखस को सबसे पहले ग्राइंड कर लेंगे, हमें फाइन ग्राइंड करना है और इसे ड्राई ही ग्राइंड करना है, हमें इसे इसमें बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। और बाद में हम इसमें नारियल डालेंगे और उसे भी ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ बेसन है, इसे हमने अच्छे से ठंडा कर लिया है। अब हम इसमें जो ड्राई रोस्ट हमने किया था, तिल, खसखस और ड्राई कोकोनट, ये सारा हम इसमें मिक्स कर देंगे। मैंने एकदम फाइनली इसे ग्राइंड किया, ये देखिए। साथ ही हम इसमें गुड़ डालेंगे। इसे मिक्स करेंगे थोड़ा। और इसमें इलायची और जायफल का पाउडर, ये भी हमें मिक्स कर देना है। अब इस मिक्सचर को हम फिर से एक बार मिक्सी में चला लेंगे। मैंने इस तरह एक छोटा बॉल निकाल लिया है आटे का, इस तरह मैं इसे थोड़ा सा बेलूंगी। अब हम इसमें स्टफिंग भरेंगे। तो ये देखिए जो स्टफिंग है हमारा, इसे हमें देखना है। ये मुझे थोड़ा ड्राई लग रहा है और इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो मुझे थोड़ी सी ज़्यादा कड़क लग रही है। तो इसमें मैं थोड़ा सा इस तरह पानी का हाथ लगा के इसे गूंदना है हमें। इस तरह मैंने ये थोड़ा सॉफ्ट बना लिया है, ये देखिए। अब हम इसे इस तरह रखेंगे बीच में। और इस तरह हमें आटे को एकदम अच्छे से बंद कर लेना है, एक्सेस निकाल देंगे हम। अब इसे सूखा आटा लगा के हमें बेलना है। थोड़ा इस तरह से हम स्प्रेड कर लेंगे। एकदम पतला भी नहीं बेलना है और बहुत ज्यादा मोटा भी नहीं रखना है इसे। अब हम इसे तवे पे सेकेंगे। और ये देखिए आपका जो गुड़ है यानी कि स्टफिंग, वो पूरे एंड तक अच्छे से स्प्रेड हो चुका है। ये इसलिए क्योंकि हमने इसकी कंसिस्टेंसी मेंटेन की है। गुड़ पोड़े बनाने में सबसे इम्पॉर्टेंट है उसकी कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी यानी जो हम कवरिंग बनाते हैं वो, और जो अंदर का स्टफिंग है वो सेम कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। तो अगर आपको लगता है आपका कवरिंग थोड़ा हार्ड है तो आप उसे गूंद के, थोड़ा सा पानी लगा के उसे गूंद के सॉफ्ट कर सकते हैं। वैसे ही अगर आपका स्टफिंग थोड़ा हार्ड है तो उसे भी आप थोड़ा सा पानी लगा के सॉफ्ट कर सकते हैं। जब ये दोनों सेम कंसिस्टेंसी के होंगे तभी आपकी गुड़ पोड़ी जो है वो एकदम अच्छे से बनेगी, और जो गुड़ है यानी उसका स्टफिंग है वो एंड तक स्प्रेड होगा। वरना आपका कहीं स्टफिंग रह जाएगा और कहीं पे सिर्फ आटा रह जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, इसे ज़रूर फॉलो कीजिए। अब इस पर मैं थोड़ा सा घी लगाऊंगी। अब हम इस तरह थोड़ा थोड़ा उठा के साइड से चेक करेंगे। ये देखिए ये एकदम अच्छे से सेक रही है। इस तरह हमें धीरे धीरे साइड से इसे निकाल लेना है। फिर एक बार मैं इसे टर्न कर लूँगी। ये देखिए कितने बढ़िया लग रही है। और अब हम इसे निकाल लेंगे। तो इस मकर संक्रांति आप भी घर पे बनाइए गुड़ पोड़ी और मुझे लिख के बताइए कि आपकी कैसे बनी।
साथ ही मेरे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबाइए ताकि मेरी रेसिपी आते ही आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू।